नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शो को हम आप तक पहुंचाते और दिखाते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने राज्य की पूरी जानकारी, अपने मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी आप रख सकें। साथ ही आपके राज्य में क्या कुछ चल रहा है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। आपके राज्य के आसपास क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी, वहाँ के मुख्यमंत्रियों की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि इसका सीधा सरोकार जो है वो आपसे जुड़ता है। तो आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा जो है वो 13 अप्रैल से शुरू होगी। ये जयपुर, अलवर, गुड़गांव में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब ये आधुनिक ट्रेन शुरू होगी तब से तकरीबन 60 लाख लोग इनमें सफर कर सकेंगे। तेज रफ्तार इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर चुटकी ली और कहा कि मैं गहलोत जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों राजनीतिक आपाधापी में अनेक संकटों से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद विकास के काम के लिए समय निकालकर रेलवे के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। भाइयों और बहनों, बीते 2 महीनों में ये 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस और अब ये जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही है। और एक स्टडी है कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर हर ट्रिप में करीब करीब 2500 घंटे बचते हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश भर में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी।
और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी पूरी देते हैं। राजस्थान को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, जिसकी लागत तकरीबन 100 करोड़ रुपए है। शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में ये काफी तेज है। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। साथ ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसकी लागत तकरीबन 100 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। और हम आपको बता दें कि जो इसकी स्पीड है शताब्दी ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। और ट्रेन में ऑटोमेटिक गेट और एसी कोचेज की सुविधा है। ऑन बोर्ड और वाईफाई जैसी भी कई सुविधाएं, पेंट्री कार में खाना आप गर्म कर सकते हैं, कई डिवाइसेस लगाए गए हैं। चलती ट्रेन में भी ये जो ट्रेन है वो स्थिर जैसा महसूस कराती है। पानी का गिलास वंदे भारत ट्रेन में किसी ने रखा होगा एक्सपीरियंस के लिए, तो ज़रा भी डगमगा नहीं रही। तो काफ़ी जो ट्रेन है वो चलते हुए भी स्थिर है, गतिमान नहीं है, इसकी भी फीलिंग ये ट्रेन कराती है। वंदे भारत ट्रेन में बनाए गए बायो वैक्यूम टॉयलेट्स ट्रेन के सभी 16 डिब्बों में लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे विकलांग लोगों के लिए दी गई है। व्हीलचेयर पार्क करने की सुविधा भी इस ट्रेन में दी गई है। तो पैंट्री कार में खाना भी आप अगर अपने घर से लेके जा रहे हैं तो गर्म कर सकते हैं। चलती ट्रेन में भी ये पूरा का पूरा जो ट्रेन है वो स्थिर रहता है, गतिमान अवस्था में नहीं रहता, ऐसा महसूस कराती है वंदे भारत ट्रेन। साथ ही आपको बता दें वंदे भारत ट्रेन में बनाए गए बायो वैक्यूम जो टॉयलेट्स हैं वो भी 16 बनाए गए हैं। 16 बायो वैक्यूम टॉयलेट्स बनाए गए हैं और ट्रेन के सभी 16 डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। व्हीलचेयर्स पार्क करने की सुविधा वंदे भारत ट्रेन में दी गई है। और इस कार्यक्रम के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से उन्होंने जोड़ा। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर बिना नाम लिए हमला करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने बिना हो हल्ला किए, बिना विज्ञापन दिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, विभिन्न पदों पर हजारों युवाओं की भर्ती की गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 22,400 से ज्यादा युवाओं के शिक्षक के पद पर नियुक्ति की है। सरकार ने इस वर्ष 1,00,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इस साल के अंत तक 60,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ी छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में एमपी का स्थान 17वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी 12 नंबर की छलांग, और वो भी बिना हो हल्ला किए, बिना शोर मचाए, बिना विज्ञापनों पर पैसे लुटाए, चुपचाप। इस तरह का कार्य करने के लिए समर्पण चाहिए, समर्पण के बिना यह संभव नहीं होता है। एक प्रकार से साधना भाव चाहिए, शिक्षा के प्रति भक्ति भाव चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को, मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को, एमपी सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण सिद्धि के लिए और इस मौन साधना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत उन्होंने की। मुख्यमंत्री गहलोत ने वंदे भारत ट्रेन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को शुक्रिया कहा। और इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मौजूद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ रेल सेवा पर ध्यान देने की जरूरत है। राजस्थान में रेगिस्तान के इलाके हैं, इसलिए यहाँ रेलवे का जो नेटवर्क है वो ज्यादा से ज्यादा हो। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ये भी आपको सुना। भौगोलिक स्थिति देखते हुए
जरूरी है कि हमारे यहाँ लंबी दूरी है, रेगिस्तानी इलाके हैं, यहाँ पर नेटवर्क रेलवे का अधिक से अधिक हो। मुझे इस बात का संतोष है, कोई जमाना था अधिकांश राजस्थान का भूभाग मिट्टी था। समय के साथ साथ मैं मिस्टर जाफर शरीफ से उस जमाने से मैं देख रहा हूँ, ये अधिकांश भाग हमारा ब्रॉडगेज हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि रेल मंत्री जी हमारे अपने ही हैं, राजस्थान के हैं, और आजादी के बाद पहला रेल मंत्री राजस्थान का पहली बार बना है। आज तक बनते आए दूसरे राज्यों से, और मैं देखा जिस राज्य का बनता है कम से कम रेलवे के अंदर वो अपने राज्य का ध्यान रखते रखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अश्विनी वैष्णव जी भी जोधपुर में पड़े हुए हैं, मेरे क्षेत्र में ही रहने वाले पाली के ही है, तो ये बिना संकोच से आपसे बात कर लेंगे। और राजस्थान में अधिक से अधिक काम कैसे हो, अधिक से अधिक ट्रेनें चलें लंबी दूरी की, इलेक्ट्रिफिकेशन राजस्थान में हो अधिक से अधिक, जिससे कि दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आपके, वो जल्दी पूरे हों। और अगर बिजलीकरण होगा उसका लाभ पूरे प्रदेश को, पूरे देश को मिलेगा। कुछ प्रस्ताव पेंडिंग है, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो रेलवे आदिवासी क्षेत्र में हमारे तीन जिले ऐसे हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक टोंक और एक करौली, जहां हमारे जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं रेलवे का। हम लोगों ने सरमुत्रा गंगापुर सिटी का एक प्रोजेक्ट दे रखा रेलवे को, शिलान्यास भी हो गया था, दुर्भाग्य से वो काम आगे नहीं बढ़ा। पुष्कर से मीरता रोड तक नई रेल लाइन की बात है। जैसलमेर बाड़मेर को अगर मुद्रा व कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन परियोजना पूरी होती है तो सीमावर्ती क्षेत्र भी है, एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लोहारू सीकर रिंगस रेल लाइन पर आमान परिवर्तन के पश्चात ब्रॉडगेज मार्ग को महानगरों और बड़े शहरों से जोड़ा जाना। गुलाबपुरा भीड़वाड़ा में जब डॉक्टर सीपी जोशी थे रेल मंत्री, तो मेमो कोच फैक्ट्री का वहां शिलान्यास हो गया, दुर्भाग्य वो काम भी हमारा बाद में अटक गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे वो बांसवाड़ा हो या करौली हो या टोंक हो, ये तमाम इलाके हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, अश्विनी वैष्णव जी अगर संकल्प लेके जाएंगे आज यहाँ से, तो मेरा मानना है कि उसके बाद में राजस्थान के जो बचे हुए भूभाग हैं वो पूरे होंगे, और उसका लाभ आने वाले वक्त में राजस्थान के तेज गति के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी रेलवे विभाग निभाएगा। और इस कार्यक्रम के ठीक बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में एक्सप्रेस वार्ता की और साथ ही प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बचत राहत बढ़त का नारा देते हुए 24 अप्रैल से प्रदेश में महंगाई राहत कैंप शुरू करने की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जनहितैषी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी सरकार बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका हालिया राहत बचत और बढ़त वाला बजट 2030 तक राजस्थान को सभी मापदंडों पर भारत का नंबर वन राज्य बनाने की उनकी योजना का पहला कदम था। महंगाई कैंप मिशन 2023 की 30 की तरफ दूसरा कदम होगा। और क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने बताते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको, वक्त बदल गया है, हमें हर नागरिक को, प्रदेशवासियों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा हम आपके साथ खड़े हैं। मिशन 30 का मतलब क्या, यही मतलब है हम नंबर वन बने देश के अंदर, के राजस्थान के अंदर जो मैं बातें बोल रहा हूँ, चाहे सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे हेल्थ की हो। हेल्थ को लेकर के एक आर्टिकल पढ़ा मैंने, अमेरिका में एक इकोनॉमिस्ट है जो पहले नीति आयोग में उपाध्यक्ष थे, राइट टू हेल्थ की उन्होंने खूब आलोचना जम के करी है। यही फर्क होता है विचारधारा का, ये लड़ाई विचारधारा की भी है, लड़ाई राइट और लेफ्ट की भी है। हमें उसको समझना पड़ेगा कि सोच क्या व्यक्ति की। आज हमारी बीजेपी क्या दुश्मनी थोड़ी है कोई,
संघर्ष है विचारधारा का संघर्ष है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो तय किया है उसी रूप में आज हमने तय किया है 2030 मिशन लेके चले। नंबर वन रहे राजस्थान देश के अंदर बन सकता है अगर पूरे प्रदेशवासी खड़े हो जाएं तो जीडीपी बढ़ते टाइम नहीं लगता है। हर सेक्टर में किसान है, मजदूर है, सर्विस क्लास है, सब सोच ले हमें हमारी प्रदेश की मिशन 2030 को कामयाब करना है। आश्चर्य की बात नहीं है जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो सतह विकास तेज गति से बढ़ता है। ये जो मैं कह रहा हूँ आपको ये सोच करके हमने तय किया क्यों नहीं हम मिशन बना के चलें 30 तक का, जिससे कि हम प्रदेशवासियों के दिलों में ये बात घर कर जाए कि सरकार ने अगर आह्वान किया हम लोगों को हम सब की ड्यूटी बनती है। अकेला कोई मिशन 30 एक आदमी नहीं कर सकता। अगर प्रदेशवासी वहाँ के युवा वहाँ के छात्र वहाँ के सर्विस क्लास के लोग वहाँ के मजदूर सब तय कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप राजस्थान जम कर सकते। आज हम बहुत पीछे हैं। जो हमने हेल्थ सर्विसेज दिए आपको उसको लेके बहुत लोग खुश हैं। हेल्थ सर्विसेज को 25 लाख का बीमा हमने कर दिया, सीटी स्कैन MRI सब फ्री है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है, सब कुछ होने के बावजूद भी हम बहुत पीछे हैं। अभी हेल्थ सर्विसेज के आंकड़े देखो भारत सरकार के, तुलना करो राज्यों की देश के अंदर, हम बहुत पीछे हैं। ये मुझे एहसास इस बात का है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि जो शुरुआत हमने करी कोरोना के बाद में या कोरोना के पहले उसका फायदा लोगों तक कैसे पहुंचे। कैंप ऐसा होगा अभियान, हर आदमी को मालूम पड़ेगा मुझे कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। सब IT बेस्ड कर रहे हैं हम लोग। आदमी जाएगा अपने नंबर देगा, आधार नंबर देगा, जन आधार नंबर देगा, बिजली के बिल का नंबर देगा, उसको उसके अलावा और 10 स्कीम में कौन कौन सा फायदा लेने वो एलिजिबल है, हो सकता है अभी आज उसको मालूम ही नहीं है, वो उसके कंप्यूटर में आ जाएगा कि तुम 5 स्कीम 6 स्कीम लेने के एलिजिबल हो और 6 स्कीम लाभ उसको मिल जाएगा। और जो हमारे हम आह्वान बार बार मीडिया वालों कर रहे हैं, जनता को कर रहे हैं, आप लोगों को बात पहुंचाओ कि कैंप लग रहे हैं, आप वो कैंप में जाना चाहिए। और अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कि दिल्ली के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। साथ ही पार्टी के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभी बात हो गई है, हमने काफ़ी देर चर्चा की, हमारी कोशिश है कि पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को एकजुट किया जाए, हम सब मिलकर आगे की रणनीति स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करें। अभी कितने विपक्षी पार्टी एक साथ आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। और अब बात मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित नव नियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि अब आप सब शिक्षक जिनका काम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने के साथ है उन्हें नई दिशा दिखाना भी होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज ने घोषणा की कि पिछली सरकार ने जो गलत किया था उसे मैं सुधार रहा हूँ। प्रदेश में अब नव नियुक्ति शिक्षकों को पहले साल 70%, दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने गुरु को याद किया और कहा कि आज जो कुछ भी मैं हूँ अपने गुरु के रतन चंद जैन के कारण हूँ। उन्होंने मुझे वो शिक्षा दी, शुरुआती कक्षा में उन्होंने मुझे पढ़ाया और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने ये भी आप सुने।
का दिन आपके जीवन का अविस्मरणीय दिन है। आज से आप शिक्षक हैं, शिक्षक, और शिक्षक का सही नाम तो है गुरु। और हमारे देश में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं भी गुरुओं को प्रणाम करता हूं। और हिंदी में अगर कहें तो कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये गुरु की महिमा है। अब आप शिक्षक भी हैं लेकिन सही अर्थों में आप गुरु हैं। और गुरु की भारत में कैसी परंपरा है, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी जी, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य, एक नहीं अनेकों नाम ऐसे हैं जिनके विचार ने, और गुरु चाणक्य, इतिहास बदल दिए। गुरु कोई साधारण नहीं है। देखो, हमारे सोच के पीछे अगर आज हम सोचे तो दो चीजें सोच सकते हैं। एक, चलो यार नौकरी लग गई, जिंदगी अच्छी कटेगी, अब रोटी की चिंता नहीं रही। एक भाव यह हो सकता है, रोजगार महत्वपूर्ण है, मैं इससे इनकार नहीं करता, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर्म तो जरूरी है रोजगार। लेकिन हमारा काम क्या रोजगार है, या कहूं क्या सिर्फ रोजगार है? मेरे प्रिय साथियों, ये रोजगार नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है। हमारा काम है एक मिशन का काम। और एक बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। आज खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई। बहुत बड़ी खबर है ये, और आप इसको देखें तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। कई बड़े बदलाव, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार अब विपक्षी पार्टियों से अलग तलग नजर आ रहे हैं, लगातार उन्होंने जो बयान दिया है उसे शरद पवार अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। और आप देखिए नीतीश कुमार जो कि तमाम विपक्षी पार्टियों के अगुआ बनते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले, एक दो घंटे पहले की बात है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष उनसे मिलकर निकले, मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज से, साथ ही राहुल गांधी मौजूद थे, ललन सिंह जी उनके साथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, संजय झा आपको नजर आ रहे होंगे, और ऐसे में हम आपको बता दें मनोज झा, माफ कीजिएगा, आपको नजर आ रहे होंगे, और साथ ही राहुल गांधी वहां मौजूद, तेजस्वी यादव मौजूद। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलने पहुंचे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। और ये गाड़ी में आप सीधा देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के, साथ ही उनके साथ तेजस्वी यादव, तमाम प्रोटोकॉल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर। कहीं ना कहीं देखिए 2024 की जो लड़ाई है उसकी शुरुआत अब यहाँ से हो जाती है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और कई बार उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, और उन्हें ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं लीड करूंगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विपक्षी पार्टियों का चेहरा बनकर उभरेंगे नीतीश कुमार। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए इतना ही, और साथ ही आपने देखा कैसे बिहार के मुख्यमंत्री अब 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियों में जुटे हैं, और साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियों के क्या अगुआ बनते हैं नीतीश कुमार। देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट जा बैठता है। और साथ ही मिस्टर चीफ मिनिस्टर में तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे।